ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का मंथन हम कर रहे हैं। रोजाना हम प्रातः 6 बजे साई 4 बजे मुरली का मंथन करते हैं, जिसे हम गूगल मीट पर सामने और यूट्यूब पर लाइव 3 प्रकार से हम इसे देखते हैं। और यदि हमारे मन में कोई भी बात अस्पष्ट हो रही है, हम उसे स्पष्ट करना चाहते हैं, तो सामने हम सहज रीति से कर सकते हैं। और यदि कोई बाद में हम मुरली पढ़ रहे हैं और कोई हमें प्रश्न उठता है, तो हम उसे व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं, और जिनको लिंक नहीं मिल रहा है वो लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। करते हो सुखदान। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। प्यार से याद करो का मतलब क्या होता है? प्यार से याद करो या याद करो में कोई अंतर होता है? बाबा की श्रीमत पर चलना। याद करो तो भी बाबा की श्रीमत पर चलना, प्यार से याद करो तो भी बाबा की श्रीमत पर चलना। कोई प्राप्त होता है तो हम जब हमें कुछ प्राप्ति होती है, हमारा दिल करता है कि उसे याद करें। जब हमें कुछ प्राप्ति नहीं है तो मजबूरी में उसे याद करेंगे, परंतु दिल से याद तभी करते हैं जब हमें उससे कोई प्राप्ति होती है। पारसनाथ शिव बाबा, स्वर्णिम दुनिया का मालिक, स्वर्ग का मालिक। शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी स्वर्णिम नगर का, स्वर्णिम दुनिया का मालिक बनाने आए हैं। स्वर्णिम दुनिया का जो मालिक है, स्वर्ग का जो मालिक है, वो हमें स्वर्णिम दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। प्रश्न, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? कौन सी एक ऐसी बात आप धारण कर लो तो आप महिमा योग्य बन जाएंगे, सारी दुनिया आपकी महिमा करेगी, सारी दुनिया आपकी महिमा करेगी। सिर्फ आप एक बात अपने जीवन में धारण कर लो तो सारी दुनिया आपकी महिमा करेगी। कौन सी बात हम ऐसी अपने जीवन में धारण करें जो सारे हमारी महिमा करने लग जाएंगे? सबको सुख देने वाले बने, सबको सुख देने वाले हम बन जाए। हमने सबको सुख देना है। बहुत बहुत निर्माण चित बनो, मतलब जरा भी आपके अंदर अहंकार नहीं हो, क्योंकि अहंकार हमें सुख देने नहीं देता। अहंकार हमें क्या करता है? अहंकार से क्या होता है? किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, बहुत मीठा बनना चाहिए। अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते। अहंकार आने से क्या होता है कि हम दुश्मन बन जाते। अहंकार आया तो फिर दुश्मन बन जाते
बहुत मीठा बनना चाहिए। ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। ऊंच या नीच हम किस आधार पर बनते हैं? पवित्रता की बात पर बनते हैं कि कौन कितना पवित्र है, उसी आधार से वे ऊंच पद प्राप्त करता है। जब पवित्र हैं तो आपका मान है, और जब अपवित्र हैं तो सबको माथा टेकते हैं, चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई स्त्री हो। जब तक हम पवित्र थे तो हमारा मान था, सम्मान था, और जब अपवित्र होते हैं तो सबको माथा टेकते हैं। जैसे आजकल नवरात्रि में कन्याएं पवित्र हैं, इसलिए उनको बुला बुला कर उनके चरण भी धोते हैं, माथा भी टेकते हैं और उनको भोजन भी खिलाते हैं। और जब वो अपवित्र बनती है तो वही सब के माथा टेकती है। तो जब तक पवित्र है तब तक उसको महत्व दिया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है। हम भी जब सतयुग में पवित्र थे, देवता बने या हमारी जड़ मूर्तियों के चित्रों को भी मान देते हैं, परंतु हम खुद ही जब पतित बन जाते हैं तो अपने ही जड़ मूर्तियों को माथा टेकते फिरते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप भी समझाते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं। बाप भी समझते हैं कि मैं इन बच्चों को समझाता हूं। ये भी बच्चों को समझाया गया है कि क्या समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाप से अनेक चित्र बना देते हैं। जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं, नेपाल में पारसनाथ का मंदिर बना हुआ है। पारसनाथ के मंदिर में किसको बिठाया है? उनका बहुत बड़ा मंदिर है, परंतु कुछ भी नहीं, परंतु है कुछ भी नहीं। मंदिर बहुत बड़ा है परंतु है कुछ भी नहीं। चार दरवाजे हैं और उसमें चार मूर्तियां लिखा है बाबा ने, तो हमें पता लगा, सवेरे एक बहन आती है, उन्होंने बताया कि वहां पर चार मूर्तियां नहीं है, चार मुख वाला शिवलिंग रखा हुआ है। बाबा ने भी यहां बताया कि चौथे में श्री कृष्ण को रखा है, अब शायद कुछ बदली कर दिया है। मतलब ब्रह्मा बाबा ही इसका वर्णन कर रहे हैं, उनको कुछ डाउट लगा तो उन्होंने शायद लगा के कह दिया। और बहन ने बताया कि भी हम वहां रहने वाले हैं और हमने उसे देखा है तो चारों दरवाजे हैं और बीच में एक शिवलिंग रखा हुआ है, जिस शिवलिंग के चार मुंह है, तो चार मुंह वाला शिवलिंग रखा है। तो पारसनाथ कौन हुआ? इस पारसनाथ के मंदिर से स्पष्ट हुआ कि पारसनाथ हुआ शिव बाबा। नरेंद्री कुछ पूछ रहे हैं? नरेंद्री प्रजापति ने हाथ खड़ा किया, कुछ पूछना है बोलो। भाई जी मैंने बताया था। अच्छा आपने बताया था भाई जी, वो मंदिर के लिए मैंने बताया था। ठीक है ठीक है। ठीक भाई जी, वो जो वहां के लोग है ना, हाँ, उन्होंने एक ही जगह बताते हो, एक ही जगह वहां दर्शन करने से चार धाम दर्शन करने की जरूरत। हाँ मतलब एक के दर्शन कर लिए आपने, सारे संसार के मालिक के दर्शन कर लिए, यानी पारसनाथ के दर्शन कर लिए, फिर आपको चारों धाम दुनिया के किसी और मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें चार दरवाजे हैं और चारों दरवाजों से शिवलिंग का जो मुंह है मेरे ख्याल दरवाजे की तरफ ही होगा फिर, ताकि जिस भी दरवाजे से आओ तो शिवलिंग को देखो और वही जो है ना
पारसनाथ है, सारे संसार को स्वर्ग बनाने वाला है। चौथे में श्री कृष्ण को रखा है, ये बाबा ने शायद कहा। शिव जी की पूजा करते हैं एक तरह से, शिव जी हाँ बारे में ही कहा गया। बिल्कुल बिल्कुल, शिव के बारे में ही कहा गया जो पारसनाथ है। आप पारसनाथ तो जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे, मनुष्यों को पारस बुद्धि भी वही बनाते मनुष्यों को पारस बुद्धि भी वही बनाते हैं। तो पहले पहले उनको ये समझाना है कि पारसनाथ शिव बाबा आकर हम सबको स्वर्णिम बुद्धि वाला, सत्व प्रधान बुद्धि वाला बनाते हैं। पारस बुद्धि का मतलब क्या लेंगे, स्वर्णिम बुद्धि या सत्व प्रधान बुद्धि भी वही बनाते हैं। तो पहले पहले उनको ये समझाना है। ऊंचते ऊंच है भगवान, ऊंचते ऊंच कौन है, ऊंचते ऊंच है भगवान। भगवान क्या करते हैं, जो सबसे ऊंचते ऊंच है, किस आधार से ऊंचते ऊंच है, किस आधार से ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, हाँ हमें स्वर्णिम युग का मालिक बनाने आए हैं, क्योंकि वो सर्वोच्च है, परम पिता परम आत्मा है। वो आत्मा सर्वोच्च भी इसलिए है कि वे कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती, और बाकी सब आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती है। परमात्मा पे कोई लेप छेप भी नहीं चढ़ता, परमात्मा पर कोई लेप छेप नहीं लगता। पीछे है सारी दुनिया, उसके बाद है सारी दुनिया, सूक्ष्म वतन की सृष्टि तो है नहीं। आप बाबा क्या कह रहे हैं आज हमें, क्या कह दिया बाबा ने हमें, ये सूक्ष्म लोक तो है ही नहीं, सूक्ष्म वतन की सृष्टि तो है ही नहीं। अब क्या करें, हमने जो पढ़ा वो सारा क्या हो गया, जो भी हमने पढ़ा वो सारा बेकार हो गया ना, क्योंकि बाबा ने कह दिया कि ये सूक्ष्म लोक तो है ही नहीं। पीछे होते हैं लक्ष्मी नारायण। अब समझने वाली बात है कि ये सूक्ष्म वतन तो है नहीं, पीछे होते हैं लक्ष्मी नारायण व विष्णु। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रोंग है। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, विष्णु का मंदिर क्यों रोंग कर दिया बाबा ने, क्या दुश्मनी हो गई बाबा को विष्णु से। बाबा ने कह दिया ये शंकर विष्णु रहते है नहीं, हाँ हमारा लक्ष्य है आत्मा की अवस्था बनानी है, हमने विष्णु चतुर्भुज बनना है। ये हमने वर्तमान में अपने आप को बनाना है, परंतु बाबा कहते इस प्रकार का कोई होता नहीं, चार भुजा वाला कोई ऐसा होता नहीं। पहले तो सीधी लाइन हटा दी कि विष्णुपुरी कोई है ही नहीं, सब सूक्ष्म वतन है ही नहीं, क्योंकि कोई भी इस प्रकार का ब्रह्मा विष्णु शंकर होते ही नहीं, ना शंकर होता है, ना ही इस प्रकार का कोई ब्रह्मा होता है, ना ही विष्णु होता है, ना ही कोई सूक्ष्म वतन होता है। जो कुछ दुनिया है वो केवल ये स्थूल दुनिया है। फिर हमें क्यों बताया था, इस बात को हम अच्छी तरह समझ ले, ताकि हम भगत बच्चे यहां आकर थोड़ा रुक जाए। जब हमें विश्वास हो जाएगा कि भगवान पढ़ाने वाला है, फिर इनको बहका देंगे, इनको कह देंगे ये सच क्या है, देखो ये है, ये तो भक्ति मार्ग वालों ने अपना जैसे बना रखा था, कोई भी सूक्ष्म लोक नहीं। ये लाइन बड़ा अच्छी तरह से अपने आप को समझा देना है, बाबा ने हमें कितना क्लियर इसको समझाया है। तो भाई जी, हाँ जी, ये तो फिर तो तीन लोग की है, ये भी गलत हो गई, गलत यही तो है, गलत हो गई।
कितनी वंडरफुल बात है ना कि ये त्रिकाल त्रिलोक, हाँ त्रिकालदशी तो अलग चीज है, तीन लोक वाला जो चैप्टर है वो तो मैं नहीं बोल रहा। तीन लोक का जो चित्र है ये अब क्या हो गया, प्राइमरी क्लास का आ अनार, आ आम, ई इमली, आगे चलकर ना आम का कोई मतलब, ना इमली का कोई मतलब, ना अनार का कोई मतलब। अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, हमें इस बात को समझ लेना है कि इनका कोई मतलब नहीं। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है, सूक्ष्म वतन कुछ भी नहीं है, ही नहीं, सीधी लाइन हटा दी एकदम। आपने देखा इसके अंदर कि सूक्ष्म वतन की सृष्टि तो है ही नहीं, पीछे होते हैं लक्ष्मी नारायण। इसके बाद तीनों को हटा दिया कि ये तीनों ही नहीं है, और बाद में कौन होते हैं, लक्ष्मी नारायण होते हैं। लक्ष्मी नारायण कब आते हैं, सतयुग में, मतलब उसके बाद सीधा बाबा कहां लेके आ गया, सतयुग के अंदर आ गया। बोला जी उसके बाद तो आते हैं ये लक्ष्मी नारायण आते हैं, राधा और कृष्ण की बात को हटा ही दिया। बहुत क्लियर बात समझने वाली है कि सीधा बाबा किनको लेके आता है, सतयुग में लक्ष्मी नारायण को लेके आ गए हैं। और सतयुग में हमने राधा कृष्ण को दिखाया, परंतु उन्होंने राधा कृष्ण का जिक्र नहीं किया, उन्होंने विष्णु चतुर्भुज का जिक्र नहीं किया, उन्होंने किसको लाके खड़ा कर दिया, हाँ विष्णु को क्यों नहीं लाए, विष्णु है ही नहीं, तो फिर ये हमें यहाँ खड़ा कर रखा है विष्णु चतुर्भुज को। आप कहते हो विष्णु, हाँ जी, ये तो हमारा आत्मा की अवस्था बनानी है, चार अलंकार हैं जो अपने आप में सुधार लाना है हमें अपने अंदर। हाँ जी, संगम युग पर ये हमारा लक्ष्य है, इसको हमने संगम युग पर याद करना है कि ये संगम युग पर हमें विष्णु चतुर्भुज बनना है। विष्णु चतुर्भुज, विष्णु ब्रह्मा, सो विष्णु व श्री कृष्ण, ये बात एक है। ये राधा कृष्ण संगम पर होते हैं, जो विष्णु बनता है वही, जो भी आत्मा चारों अलंकारों को अपने जीवन में धारण करेगी वो या तो नारायण बनेगी या लक्ष्मी बनेगी। संगम युग पर जो इन चारों अलंकारों को जन्म लेके नंबर जन्म लेंगे, इन चारों अलंकारों को धारण करके जन्म लेंगे, उनका कहीं जिक्र नहीं मिलेगा, परंतु श्री कृष्ण का जिक्र बाबा ने किया है, क्योंकि दुनिया में श्री कृष्ण का जिक्र है। इसलिए फिर श्री कृष्ण कब था ये फिर कैसे मानेंगे, इसलिए बाबा ने श्री कृष्ण का जन्म सतयुग पर दिखाया। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, एक मुरली के अंदर है, दिया हुआ है कि ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण, उस मुरली के अंदर भी दिया है और वो इस चित्र के अंदर भी हमें समझाया है कि ब्रह्मा जब संपूर्ण पवित्र कमल फूल समान बनता है तो संगम पर ये श्री कृष्ण बन जाता है, जिसे सतयुग का पहला राजकुमार कहते हैं। तो ये ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण संगम पर होता है, इसलिए बाबा ने ब्रह्मा या विष्णु बना तो कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया। तो जो भी आत्मा बाबा के डायरेक्शन पर चलकर विष्णु चतुर्भुज को अपना लक्ष्य समझकर बनती है, तो वो या तो नर बनेगी तो नारायण कहलाएगी, नारी बनेगी तो लक्ष्मी कहलाएगी। इसलिए दो हाथ नारी के, दो हाथ नर के दिखाने प्रतीकात्मक ये दिखाया है, ठीक है कि नहीं। परंतु भाई जी, जो सतयुग के जो आठ जन्म है उसमें से पहला वही होगा ना, जो विनाश से पहले जिन्होंने जन्म ले लिया, नहीं नहीं, क्योंकि सतयुग में तो आगे वो शरीर पहनेंगे, नहीं नहीं वो तो खैर है ही रहेगा तो वही, परंतु ना श्री कृष्ण को इस यज्ञ इस समय संगम पर ब्रह्मा कुमार में ही माना जाएगा, इसे देवता नहीं कहेंगे,
बाबा ने बड़ा अच्छी तरह से नहीं, फिर अपने वो वाले आठ पूरे कैसे होंगे? ये कृष्ण की आत्मा, ये कृष्ण की आत्मा ने 25-30 वर्ष जो संगम पर बड़ा शरीर किया और युवा अवस्था में वो वापस आकर अपने शरीर को पहनकर खड़ा हो गया नई सृष्टि को चलाने के लिए, वरना पहला बच्चा कौन पैदा करता? ये तो यही शरीर इनके चलेंगे, परंतु जो इनके पास 20-25 साल बाद या 30 साल बाद जो इनके पास जन्म लेंगे, वो उनके भी तो पूरे जन्म होंगे ना, परंतु वो 20-25 साल छोटे होंगे, वो एवरेज सब में कम हो जाएंगे, 150 की जगह पर 145-146 हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? 800 में बढ़ जाएगा ना, 8 × 32 कर दो तो 4-4 साल एवरेज कम हो जाएगा, ठीक है नहीं? परंतु 8 जन्म तो उनके होंगे ना, तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो बाबा इस बात को और हमें आगे स्पष्ट कर रहे हैं इसी मुरली के अंदर कि विष्णु वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रोंग है, क्योंकि ये कहीं हुए नहीं, सूक्ष्म वतन नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं, फिर उनका मंदिर बनाना भी तो रोंग हो गया ना, शंकर का मंदिर बनाना भी रोंग हो गया, ब्रह्मा का मंदिर बनाना भी क्या हो गया? रोंग हो गया। तो विष्णु का मंदिर बनाना भी क्या हो गया? रोंग हो गया। विष्णु चतुर्भुज चार भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता ही नहीं, बाबा ने इस मुरली में तो नहीं कहा, एक मुरली में कहा कि यदि उनके माँ इनके जो बच्चे हों फिर वो भी तो चार भुजा वाले हों। जब विष्णु के चार भुजा हैं तो विष्णु के लक्ष्मी के, यदि लक्ष्मी की दिखा देते हैं विष्णु के साथ, या नारायण को भी चार, नारायण और विष्णु में अंतर नहीं समझते हैं, तो जो चार भुजा वाले के साथ लक्ष्मी बिठा देते हैं जो उनके पैरों को दबा रही है, ठीक है, तो वो भी जो है ना क्या हो गई, तो चार भुजा वाले बच्चे होने चाहिए थे, इस प्रकार की भी कोई बात नहीं है। चार भुजा वाला, भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं। बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण है जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है, पर दो लक्ष्मी और नारायण, क्योंकि दो ही रूप बनेंगे, या तो जो बाबा का ज्ञान लेगा या तो नारायण बनेगा या लक्ष्मी बनेगा, जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है, लक्ष्मी नारायण तो दोनों अलग अलग है, लक्ष्मी नारायण तो दोनों अलग अलग है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को चार भुजाएं दे दी हैं, अर्थात दोनों को मिलाकर चतुर्भुज कर दिया है, बाकी ऐसे कोई होता नहीं। बाकी बड़ी क्लियर बात समझा रहे हैं, बाकी कोई ऐसा होता नहीं है। और आगे समझाया, मंदिर में जो चतुर्भुज दिखाते हैं, नारायण को ही चार भुजा दे देते हैं, चार भुजा वाला विष्णु या नारायण लेटा हुआ है, लक्ष्मी पांव दबा रही है, वे सूक्ष्म वतन का चतुर्भुज का शंख चक्र गदा पद्म आदि देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। चक्र भी तुम बच्चों को है, नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र खीर सागर में दिखाते हैं, नरेंद्र बहन ने बताया कि वहां पर जो विष्णु का चित्र बना हुआ है, विष्णु की जो पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, वो उस मूर्ति में लक्ष्मी पांव नहीं दबा रही, मतलब ये भी उसमें क्योंकि मैं तो देखने नहीं गया हूं, नरेंद्र बहन ने बताया कि वहां पर जो नेपाल से ही हैं, कहते मैं वहीं रहने वाली हूं, और वहां पर वो विष्णु लेटा हुआ है और वहां पूजा के दौरान कभी कभी दूध डालते हैं, तो यहां भी बाबा कहते पूजा के दिनों में थोड़ा दूध डाल देते हैं, बाकी कोई ऐसा खीर सागर भी नहीं है जहां वाला विष्णु जो है ना लेटा रहे और लक्ष्मी उनके पांव दबाए, वैसे विष्णु के साथ लक्ष्मी भी नहीं दिखाई है, मतलब चाहे उनको मालूम है या नहीं है, उन्होंने मंदिर बनाया है तो कितना देखो कि जैसी समझ में था उन्होंने बना दिया। और बाबा यहाँ कितनी बात स्पष्ट कर रहे हैं, विष्णु और लक्ष्मी का कोई मतलब नहीं। बाप एक एक बात अच्छी तरह समझाते हैं, ऐसे कोई विष्णु का अर्थ समझा ना सके। बाबा कितने चैलेंज के साथ बात करते हैं कि ऐसे विष्णु का अर्थ कोई समझा नहीं सकता, जानते ही नहीं समझाएंगे तो तब ना, जानेंगे तभी समझाएंगे ना, ये तो भगवान खुद समझाते हैं। भगवान कहा जाता है किसको? शिव बाबा को। भगवान कहा जाता है किसको? पारसनाथ को।
और पारसनाथ का भी मंदिर आज हमें पता लगा, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ, और ये विष्णु का भी मंदिर आज हमें स्पष्ट हुआ। आरपी से नहीं क्या पूछना चाहते? एक वर्मा जी का आपने बताया देवनी है, उसकी एक ही मंदिर है पुष्कर में, और दूसरा आप कह रहे हैं देवता है, तो फिर उनको आदि देव क्यों कहा जाता है? आदि देव ब्रह्मा को कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा बना, ब्रह्मा वो बना नहीं जो उन्होंने दिखाया है। ब्रह्मा चार मुंह वाला कोई नहीं होता, शिवलिंग चार मुंह वाला कोई नहीं होता। जैसे आज हमने देखा कि नेपाल के अंदर पारसनाथ का जो मंदिर है वहां पर चार दरवाजे हैं और बीच में एक शिवलिंग रखा हुआ है जिसके चार मुंह हैं। तो वो कहते हैं कि ये मंदिर जिसने एक बार पारसनाथ के दर्शन कर लिए उसे चारों धाम में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो हमें बहुत क्लियर समझ में आता है कि शिव की वो पूजा करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, और शिव जो है पारसनाथ है। तो ये बात हमें समझ में आता है कि बाबा ने आज क्लियर कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन कोई नहीं, कोई सूक्ष्म वतन नहीं। और विष्णु का मंदिर बनाना भी रॉन्ग, शंकर को मंदिर बनाना भी रॉन्ग हो गया ऑटोमेटिक, साथ के साथ ब्रह्मा का मंदिर बनाना भी रॉन्ग। और जो ये ब्रह्मा चार मुंह वाला बैठा रखा है, ऐसा तो कोई ब्रह्मा हुआ ही नहीं ना, जो पुष्कर में मंदिर बनाया है। ब्रह्मा जी का तो वैसे ही मंदिर नहीं है। हाँ जी, ब्रह्मा जी का तो वैसे ही मंदिर नहीं है। वैसे मंदिर नहीं है, पर तो कुछ मंदिर बन गए हैं आजकल मंदिरों में भी ब्रह्मा जी का रखने। पुष्कर में मंदिर है ब्रह्मा जी का, आपने पुराना और कोई नहीं? पुष्कर में तो खैर है ही अलग से, पर तो आप मंदिरों में ब्रह्मा जी का भी मूर्ति रखने लग गए हैं, क्या फर्क पड़ता है? एक मूर्ति ब्रह्मा जी की भी रख देते हैं, परंतु कहने का मतलब यह है कि वो चार मुंह वाला भी तो ब्रह्मा कोई नहीं है। तीन मुंह का भी ब्रह्मा वर्णन किया है, चार मुंह वाला भी ब्रह्मा वर्णन किया है, पांच मुंह वाला भी ब्रह्मा वर्णन किया है। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है कि क्यों तीन मुंह वाला ब्रह्मा कहते हैं, क्यों चार मुंह वाला ब्रह्मा कहते हैं, क्यों पांच मुंह वाला ब्रह्मा कहते हैं। यहाँ जिक्र आया है तो मैं थोड़ा बता देता हूं कि ब्रह्मा तीन रोल प्ले करता है, इसलिए ब्रह्मा को तीन मुख दिखाए हैं। और ब्रह्मा के, हाँ जी, ये तो आपने बताया हुआ है पहले। और उसके बाद ब्रह्मा के चार मुंह क्यों दिखाते हैं? चारों दिशाओं में वो ज्ञान, चारों ज्ञान दिया तो वो चारों दिशाओं में गया, इसलिए ब्रह्मा को उन्होंने चार मुख दिखा दिए। जैसे आज हमने देखा पारसनाथ के मंदिर में शिवलिंग को भी चार, हाँ जी, तीन मुख दिखाए क्योंकि उन्होंने विष्णु का भी रूप धारण किया। तीन रोल, तीन कार्य किए ना, स्थापना, पालना और संगार, तीन कार्य कर्तव्यों का पालन किया परमात्मा के, इसलिए उनको तीन मुंह दिखा दिए। चार मुंह दिखा दिए कि चारों दिशाओं में, उसने ज्ञान सुनाया चारों दिशाओं में गया, तो इसलिए चार मुंह दिखा दिए। पांच मुंह किस लिए दिखाए? वो एक गपोड़ कहानी है कि अपना कौन है, सरस्वती जो है वो ब्रह्मा को जो है ना सरस्वती के प्रति विकार आ गया, विकार आ गया तो उसको विकारी दृष्टि से देखने लगा, वो चारों दिशाओं में छुपने लगी, जहां भी जाती ब्रह्मा का उधर मुंह चला जाता, चारों दिशाओं में देखने लग गया विकारी दृष्टि से। आखिर उसने क्या किया कि ऊपर चली गई तो पांचवा मुंह ऊपर भी निकल आया, तो ये पांच मुंह हो गए, मतलब पंचानन भी ब्रह्मा को बना दिया। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ भी गपोड़ा कैसे भी कहानी को घड़ के रख देते हैं। श्याम सिंह जी क्या पूछ रहे हैं? हाँ भाई जी, हाँ जी बाबा, आप तक कहते रहे कि मैंने इनका नाम ब्रह्मा बिहारी, श्री बाबा ने आकर के दादा लेख राज का नाम ब्रह्मा रखा, ये तो ठीक है, ब्रह्मा भी रखा और इसी से तीनों पाठ भी बजवाए, ब्रह्मा का पाठ भी उसी के द्वारा बजवाया, शंकर का आकारी पाठ भी उसी से बजवाया, और निरा का विष्णु का श्री कृष्ण के रूप में भी पाठ उसी से बजवाया, तो इसलिए तीन पाठ उसी से बजवाए, कोई अलग से उसने ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन नहीं चुने, तीन नहीं बनाए। तो इसके साथ साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि जो ये चित्र है हमारा ब्रह्मा विष्णु शंकर का त्रिमूर्ति का चित्र, ये त्रिमूर्ति का चित्र भी क्या हो जाता है हमारा, रॉन्ग हो गया ना,
ये हमारा त्रिमूर्ति का चित्र भी रॉन्ग हो गया ना, किसी हिसाब से तो हो गया रे, ठीक है नहीं। जब ब्रह्म सूक्ष्म सूक्ष्म वतन नहीं, ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं, शंकर नहीं, और ये हमारा ब्रह्मा जो हमने एक मुंह वाला बिठा रखा है ये सच है, परंतु ये तीनों नहीं है। और यहां पर आपने पुराने हमारे जो बाबा के चित्र बने हुए हैं वहां इसी मुंह के ऊपर विष्णु का श्रृंगार किया गया, इसी मुंह के ऊपर शंकर को दिखाया गया। पुराने चित्रों में ब्रह्मा बाबा को ही इन तीनों रूपों में एक ही चित्र में दिखाया हुआ है पुराने चित्रों में। यदि आप वहां जाते हैं माउंट आबू हिस्ट्री हॉल में जो चित्र रखा हुआ है त्रिमूर्ति का, उसमें ब्रह्मा के ही मुझे नहीं है मतलब ब्रह्मा के ही ऊपर ये तीनों पार्ट जो है ना दिखाए हैं, मतलब विष्णु के रूप में भी शंकर के रूप में भी इसी ब्रह्मा को दिखाया है। तो मतलब ये बातें सब नहीं जानते होते तो इसलिए हमें समझना है कि ब्रह्मा ने तीनों रोल प्ले किए, और ना तो ये त्रिमूर्ति का चित्र ठीक है ना ही तीनों लोकों वाला चित्र ठीक है, ये प्राइमरी क्लास का कायदे का चित्र था, इसको हमने उसी नजर से देखकर नए बच्चों को समझाकर बिलोकर अपने पास बिठा लेना है। फिर कुछ दिनों बाद उनको कहना है भाई देखो अब तुम बड़ी क्लास में आ गए हो, अब आ अनार आ आम रटना बंद कर दो, अब तुम सीधी पढ़ाई पढ़ो। तो एक ही है परंतु भक्ति मार्ग वालों ने नाम अनेक रख दिए। भक्ति मार्ग वालों ने क्या किया, अनेक नाम रख दिए। किस किस के नाम रख दिए, भगवान कहा जाता है शिव बाबा का है तो एक ही, शिव बाबा है तो एक ही, परंतु भक्ति मार्ग वालों ने नाम अनेक रख दिए हैं, नाम उसके क्या कर दिए, अनेक रख दिए हैं। भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते रहते हैं, तुमने भी खाए हैं। अभी अगर तुम मंदिर देखेंगे तो उस पर समझाएंगे, अब यदि तुम मंदिर देखोगे तो उस मंदिर के ऊपर आप सबको समझाओगे, किसी भी मंदिर में जाओगे अब आप उनको समझा सकते हो, इधर आओ पहले उनसे पूछो कि ये क्या करते थे कब थे, फिर उनको एक एक बात धीरे धीरे समझाओ, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं ये कब थे क्या करते थे क्या किया था। तो सच तो हम ही जानते हैं, हम ही फिर उनको समझा सकते हैं। इसके लिए हर एक आत्मा ने बैठकर खुद पुरुषार्थ करना है कि इस पर क्या समझाना है। यदि किसी मूर्ति पर मंदिर पर समझाने में दिक्कत आए तो आप उसे चर्चा में लाएंगे तो वो फिर हल हो जाएगा। सुप्रीम सोल निराकार परमपिता परमात्मा है, और आत्मा शरीर द्वारा कहती है ओ परमपिता। उनकी फिर महिमा भी है ज्ञान का सागर सुख का सागर। भक्ति मार्ग में एक के अनेक चित्र हैं, ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान सागर एक ही है। वही पतित पावन है सर्व का सदगति दाता है, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ऊंचे ते ऊंच परमात्मा है उनके लिए ही गायन है, सिमर सिमर सुख पाओ, सिमर सिमर सुख पाओ। जितना याद करेंगे परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम्हें सुख मिलेगा। अब उन्होंने सिमर सिमर का मतलब ले लिया नाम रखना है, अर्थात एक बाप को ही याद करो अथवा सिमरन करते रहो तो क्ले क्लेश मिटे सब तन के, फिर शरीर के सब रोग खत्म हो जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। ये जीवन मुक्ति है ना, बाप से ये सुख का वर्षा मिलता है, अकेले ये तो नहीं पाएंगे, अकेला ब्रह्मा तो नहीं पाएगा ना, जरूर राजधानी होगी होगी ना, गोया बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होते हैं, तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो जाकर बड़े कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुख मिलता है जब ये स्थापना हो जाती है, जब ये स्थापना हो जाती है। तो छी छी आत्माएं सजा खाकर वापस चली जाती हैं,
जो छी छी आत्माएं होती हैं, जो पवित्र नहीं बनी होती, जो सुधरी नहीं होती, वो आत्माएं सजाएं खाकर वापस घर चली जाती हैं, अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेंगी, अपनी अपनी सेक्शन में, अपनी शाखा में जाकर के बैठ जाएंगी, क्लास में बैठ जाएंगी, जिस वर्ग की होंगी। सब आत्माएं आएंगी फिर वृद्धि को पाती रहेंगी, सब आत्माएं आएंगी और फिर वृद्धि को पाती रहेंगी। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊपर से कैसे आते हैं, ऐसे तो नहीं दो पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठे आना चाहिए। शिव बाबा से 2 पत्ते निकलते हैं ना, राधा कृष्ण और राधा और कृष्ण, बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं है कि 2 की जगह 10 पत्ते निकल आएंगे, नहीं, कायदे से पत्ते निकलते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा झाड़ है, दिखाते हैं एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है। मैंने सवेरे बात किया था क्या होता है कि लाखों की वृद्धि, और जितना ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उतनी जनसंख्या भारत में एक दिन में पैदा हो जाती है, इतनी कम जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पहले समझाना है, ऊंचते ऊंच है भगवान, पतित पावन दुख हरता सुख करता भी वही है, वो पतित पावन भी है, दुख हरता सुख करता भी वही है। जो भी पाड़धारी दुखी होते हैं उन सब को आकर सुख देते हैं शिव बाबा, जो भी एक्टर पाड़धारी दुखी होता है उनको आकर सुख देते हैं। रावण मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं कि बाप आए हैं, जो आकर समझे बहुत तो समझते समझते फिर थिरक जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जैसे स्नान करते करते पांव फिसल जाता है तो पानी अंदर घुस जाता है, पांव फिसलेगा तो पानी में जाके गिरेगा ना, जैसे आप कहीं नहा रहे हो पांव फिसल गया तो पानी में ही आप जाओगे ना, बाहर भी जा सकता है। बाबा तो अनुभवी है ना, ये तो विषय सागर है, दुनिया क्या है, विषय विकार की दुनिया है। आप वहां से निकलकर पवित्र बनने की सोचते हो और फिर माया पकड़कर फिर विषय विकारों में गिरा देती है। बाबा तुमको खीर सागर तरफ ले जाते हैं, परंतु माया रूपी ग्रह अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर लेती है। जीते जी बाप की गोद से मरकर रावण की गोद में चले जाते, ब्रह्मा ब्राह्मण बनते बनते ब्रह्मा बाबा की श्रीमत पर, शिव बाबा की श्रीमत पर चलते चलते छोड़कर क्या बन जाते हैं, रावण की गोद में चले जाते हैं, रावण के बच्चे बन जाते हैं, शिव बाबा को छोड़ देते हैं अर्थात मर पड़ते हैं। शिव बाबा से मरे रावण के बच्चे बन गए। तुम बच्चों की बुद्धि में है ऊंचे ते ऊंच बाप, फिर रचना रचते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है नहीं, इतनी क्लियर लाइन बताते हैं, सूक्ष्म वतन की तो कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही नहीं। बाल तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहां चतुर्भुज देखते हो, चित्रों में है ना, चित्र देखते हो ना, तो ये बुद्धि में बैठा हुआ है। जैसे हम सपना देखते हैं वास्तव में कुछ होता नहीं है, ऐसे ही तुम सूक्ष्म वतन में जो तुम्हारी बुद्धि में चित्र बैठे हुए हैं उन चित्रों को बैठकर देखते रहते हो, बाकी सूक्ष्म वतन में कोई ऐसे चित्र कहीं रखे हुए नहीं है जो जाके आप देखो। समझ में आ गया? हाँ जी। मतलब कितना क्लियर बाबा समझा रहे हैं कि जैसे हम सपना देखते हैं या हम कोई विचार करते हैं, हमने अपने पापा को देखा हुआ है, यदि अब भी हम अपने पापा को कहीं भी बैठे हों उनको याद करें तो उनकी शक्ल हमारे सामने आ जाएगी, आंखें बंद करें हम उनसे कोई भी काम करते हुए देख सकते हैं क्योंकि हमने उनको सारे काम करते हुए देखा हुआ है, हम आंखें बंद करते ही उनको देख सकते हैं। भाई एक सवाल यहाँ पे। हाँ जी। बोलते हैं कि मतलब अगर हम वो उनका ऑरा मजबूत है, उनके पास पॉजिटिव वाइब्स है, अगर हम उनको देखते तो उनको हमारा ऑरा अभी उतना मजबूत नहीं हुआ, निगेटिव है, तो उनका वो पॉजिटिव हमारे पास आता है,
फिर हम अपना अपने आप को पॉजिटिव कर पाते हैं। तो ऐसा क्या होता है? मुझे समझ में, किसका ऑरा बता रहे हो? जैसे बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, मम्मा को देखते हैं, बुढ़िया दादी को देखते हैं, जानकी दादी को देखते हैं, तो वो लोग पवित्र आत्माएं थी, वो लोग पवित्र थी, तो उनको देखते हैं, तो फिर जैसे बोलते हैं ना, शिवानी दीदी कहती है कि हम दूसरे किसी को याद ना करें, क्योंकि वो पवित्र दुनिया के उनके पास पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं होते, तो उनका वाइब्रेशन आपको कैच करेगा। ये भक्ति वाली बात ही है बहन जी। चित्र माना भक्ति, जहां चित्र को देखने की बात आ गई वहां भक्ति। हम मंदिर में भी जाते हैं, वहां देवियों के देवताओं के चित्रों को देखते हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, तो हमें अच्छी फीलिंग होती है ना। इसके अंदर क्या बोलते हैं, चाइना चीन धर्म के अंदर जो ना, बौद्ध धर्म के अंदर एक लाफिंग बुद्धा दिखाते हैं, लाफिंग बुद्धा कहते, घर के बाहर एक लाफिंग बुड्ढा जरूर रखा हो, क्योंकि आप कितना भी टेंशन में तनाव में घर में घुसेंगे, सामने आप लाफिंग बुड्ढा देखेंगे तो आपका जो चेहरा है वो भी खिल जाएगा, आपकी टेंशन सारी बाहर रह जाएंगी, घर में आप जाएंगे तो मुस्कुराते हुए जाएंगे। तब ये एक साइकोलॉजिकली हम देखते हैं, उसी प्रकार की हमें जैसा चेहरा देखते हैं फीलिंग आती है। तो ये जड़ है सारे, उनसे हम, क्योंकि हम देहधारी हैं, देहधारी होने के कारण हम उनसे इस प्रकार की फीलिंग को महसूस करते हैं। परंतु जब हम आत्मा है तो, जब हम आत्मा है तो हमने किसको देखना है? आत्मा को। हमने इन इन जड़ चित्रों से थोड़ा खुशी लेनी है, इन जड़ चित्रों से हमें स्थूल खुशी नहीं मिल सकती, सूक्ष्म खुशी नहीं मिल सकती। जो खुशी मुझ आत्मा को चाहिए, आत्मा को किसी चित्र को देख करके खुशी का क्या मतलब हुआ? ये भक्ति मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है। इस लाइन को हमें बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखना है, चाहे वो शिवानी बहन हो या कोई भी हो, क्योंकि उनके उनको अभी ज्ञान का मतलब ही, बाबा ने अभी हमने 4-5 दिन 6 दिन पहले कितनी वंडरफुल जो है ना क्लास में समझा था कि योग माना जहां आंख कान मुख प्रयोगी नहीं होता, जहां हमारी आंखों ने देखा तो क्या योग में रहा? वो स्थूल दुनिया की क्षणिक खुशी हमें मिलेगी, क्या हमारी टेंशन दूर हो जाएगी? तो कहते हैं कि योग करते समय आंखें खुली रखो। मैं कब मना किया है कि आंखें बंद करो? मैं ये कह रहा हूं कि बाप जा आई थी, किसने कहा था कि बाप को तुम आंखें बंद करके बात करते हो? तो मैं तो नहीं कह रहा हूं कि आंखें बंद करो, मैं यही कह रहा हूं कि आप एक लाफिंग बुद्धा रखा हुआ है, आप बाहर से बड़ी टेंशन में आए हो, आपने लाफिंग बुद्धा को देखा तो क्या आपकी टेंशन खत्म हो जाएंगी? नहीं। ये केवल और केवल साइकोलॉजिकली किसी किसी को आता है, माइंड में होता है, हल्की फुल्की बातें होती हैं तो खुशी को देख करके खुशी मिल सकती है, मूर्ति को देख करके खुशी मिल सकती है। पर तो कितनी भी देवी देवता का बड़ा मंदिर हो, वहां रो रहे होते हैं, जिनके घर से कोई मर गया होता है, जिनका कोई हॉस्पिटल में पड़ा होता है, वो ऐसे आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, ऐसे सिर मार रहे होते हैं। मैंने ख्वाजा शरीफ में जाके देखा कितने लोग सिर मार रहे हैं, जख्मी कर दिया है सिर को मार मार करके, ख्वाजा ख्वाजा ख्वाजा, ऐसे ही मंदिरों में भी जाकर के रो रहे होते हैं, क्योंकि उनके घर से कोई बीमार पड़ा है, वो ठीक नहीं हो रहा, या मर गया है, मर गया है तो कोई उनको दिखाई नहीं दे रहा, यही एक दिखाई देता है कि मंदिर में जाए और भगवान के साथ गुस्से निकाल करके आए, जैसा भी समझो। मतलब मेरा कहने का यह है कि जहां हमारा शरीर यूज हो रहा है, वो परमात्मा से उन गुणों व शक्तियों को प्राप्त करने का आधार नहीं है। ब्रह्मा बाबा का चित्र देखना, बाबा ने तो अपने चित्र के लिए मना किया कि ये भी मेरा एक्यूरेट चित्र थोड़ा है, जो इसको देखकर तुम मुझे याद करोगे। जो किरणों वाला चित्र बना हुआ है, ये बाबा का कोई एक्यूरेट चित्र थोड़ा है,
ये केवल जब तक बाबा का ज्ञान का हम मनन चिंतन नहीं करते ना, नॉर्मल रह ही नहीं सकते। ज्ञान के आधार पर हमने खुद को समझाना है। जब हम खुद को समझा देंगे, जब हम उस ज्ञान के आधार पर व्यवहार में आएंगे, तो हम नॉर्मल रह सकते हैं, खुशी का अनुभव कर सकते हैं। परंतु परिस्थिति आती है जब हम उसमें कंपेयर करने लगते हैं ना, बाबा की श्रीमत लाते हैं ना, तब हम शांत हो जाते हैं। बिल्कुल, तो हमें बहुत क्लियर समझना है, क्योंकि शिवानी बहन के सामने बड़ी समस्या ये रहती है, क्योंकि वो लोकप्रिय होने का कारण यही है कि वो टफ सब्जेक्ट को नहीं लेती, डीप नॉलेज को नहीं लेती, वो दुनिया वाली नॉलेज को ही दुनिया वालों की तरह ही घुमा फिरा कर उन्हें खुश करती रहती है। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। शिवानी बहन से भी बहुत सारे जो उकता चुके हैं, कहते वही बातें, घिसी पीटी बातें, वही बार बार रिपीट कर रही है, ऐसे बहुत सारे भाई बहन ने आके बताया। मैंने ये तीन चार क्लासेस देखी है, मतलब लाइव क्लासेस भी देखी है, जो मैं यूट्यूब पे देख चुकी थी, वही चीजें रिपीट होती है। रिपीट तो मैं अब जाती नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअली इसमें ना उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट आपसे चेंज है। जैसे आप बोलते हो ना कि बनाने वाले से ज्यादा खाने वाले की स्थिति उससे असर करती है, कट करती है। उनका ये कहना है कि बनाने वाले की स्थिति करती है। उन्होंने ये चीज बोली थी कि आप उनसे कनेक्शन, सुप्रीम सोल से कनेक्शन करोगे तो आपके मन की स्थिति वैसी बनेगी जैसी सुप्रीम सोल की होती है। किसी भी देहधारी को याद मत करो। मैं कहने का बात देखिए, ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। ये मैंने भी अपनी वीडियो में इसी प्रकार की ही बातें बताई हुई हैं। तो उस प्रकार से जो है ना, जैसा बताया है वैसा, हमें जैसा पता था वैसा ही हमने किया हुआ है। खैर, हमें मेन बात बाबा की श्रीमत के अनुसार से समझ में आ रहा है कि हम आत्मा ने परमात्मा को परमात्मा के ज्ञान से समझना है, यथार्थ समझना है, और ज्ञान को बड़ा यथार्थ समझना है, और अपने आप को यथार्थ समझाना है, और हमें यथार्थ करना है। और यथार्थ करने का मतलब है हमें आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, बाबा ने जैसा कुछ करने के लिए कहा है हमको वैसा करना है, और करने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत है, हमने ऐसे करना है, सोचा और करना है, बस सोचो वही जैसे बाबा कहता है। वहां चतुर्भुज देखते हो चित्रों में ना, तो वे बुद्धि में बैठा हुआ है, क्योंकि हम चित्रों में चतुर्भुज देखते हैं तो हमारी बुद्धि में चतुर्भुज बैठा हुआ है, हम वही फिर बताते हैं। अब यदि मुझे कोई प्रदर्शनी समझानी हो, मुझे कोई प्रदर्शनी उठाने की जरूरत नहीं, मैं शब्दों के हिसाब से सभी चित्र मेरी बुद्धि में रटे हुए हैं और उनको मैं समझा सकता हूं। परंतु बहुत सारी बातें अभी भी इन चित्रों में मैं देखता हूं कि मैं सारे चित्रों को समझा सकता हूं, परंतु जब मैं समझाने बैठता हूं तो कुछ ना कुछ चित्रों में ऐसा लिख दिया है जो कभी कभी समझ में आता है कि अच्छा, ये भी यहां लिख रखा है, ये भी यहां दिखा रखा है। जैसे आज हम नरेंद्र के माध्यम से नेपाल घूम के आए, कि अभी हम वहां क्या देख के आए थे, आज पारसनाथ का मंदिर देख के आए और विष्णु का मंदिर देख के आए। हम उनकी आंखों से समझ गए, उन्होंने एक्सप्लेन किया, हमें समझ में आ गया, हमने समझो साक्षात्कार कर लिया, देख लिया। तो इसी प्रकार से बाबा के ज्ञान के हिसाब से हमने समझ जाना है। चित्रों में है ना, तो वे बुद्धि में बैठा हुआ है, तो जरूर साक्षात्कार होगा। तो जो चित्र हम देखते रहेंगे वही हमको बुद्धि में बैठा हुआ है, वही हमको दिखाई देगा, परंतु ऐसी कोई चीज है नहीं। ये भक्ति मार्ग के चित्र है। कितना क्लियर बाबा बोलते हैं, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। और ये ब्रह्मा बाबा के टाइम में कोई ब्रह्मा का चित्र नहीं होता था, ब्रह्मा बाबा का चित्र नहीं होता था। शिव बाबा के टाइम पर ब्रह्मा बाबा के टाइम पर शिव बाबा का वो बनाते थे लाइट, बस बाकी और कोई नहीं होता था। तो ब्रह्मा बाबा के चित्र तो ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद बनाने शुरू कर दिए, फिर मम्मा गई तो मम्मा का चित्र लगाना शुरू कर दिया, दादी गई तो दादी का चित्र लगाना शुरू कर दिया, जो दादियां जाती हैं अब उनके चित्र बना बना के लगाते रहते हैं। भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर ये चित्र रहेंगे ही नहीं। लाइन समझ में आई है? भक्ति मार्ग का पूरा होगा जब कलयुग का अंत होगा, जब कलयुग का अंत होगा तो सारे चित्र खत्म हो जाएंगे।
फिर सतयुग शुरू होगा, वहां ऐसा कोई चित्र नहीं होगा। स्वर्ग में ये सब बातें भूल जाएंगी। अब बुद्धि में है कि ये लक्ष्मी नारायण दो रूप है, चतुर्भुज के लक्ष्मी नारायण की पूजा सो चतुर्भुज की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा सो चतुर्भुज की पूजा। लक्ष्मी नारायण का मंदिर या चतुर्भुज का मंदिर बात एक ही है, इन दोनों का ज्ञान और किसी को भी है नहीं। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है, विष्णु का राज्य तो नहीं कहेंगे, विष्णु का राज्य तो नहीं कहेंगे। ये समझ में आया ना? तो ना सूक्ष्म वतन में सिंहासन के पीछे लक्ष्मी नारायण, जब सिंहासन पे बैठते तो लक्ष्मी नारायण के पीछे में विष्णु से तो अब फोटो था, क्योंकि ये अब ये भी अब बना के जाएंगे ना, तो आते ही पहले दिन लक्ष्मी नारायण सिंहासन पर बैठेंगे, तो जहां भी बैठेंगे जिस जगह पर बिठाएंगे वहां पहले से विष्णु चतुर्भुज का चित्र बना के जाएंगे, फिर आकर के उसी को देखेंगे, क्योंकि आके तो बनाएंगे नहीं ना। जो भी महल या बंकर बना के जाएंगे उसमें विष्णु चतुर्भुज का चित्र बना जाएंगे, फिर आकर के देखेंगे और वहां कुर्सी रख के बिठा देंगे दोनों को। आपको टेंट हाउस से तो कुर्सियां लाई नहीं जाएंगी, वो भी यहीं पर अभी बना के रख के जाएंगे, बढ़िया सी अच्छी सी क्वालिटी की कुर्सियां। ये पालना भी करते हैं, सारे विश्व के मालिक है तो विश्व की पालना करते हैं। शिव भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पहली लाइन कितनी वंडरफुल और डीप लाइन है, सारे कहते हैं हम भी कहते आए, परंतु आज हम इस ध्यान की लाइन को देखें ना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा समझना है, आत्मा समझने के बाद आंखें कहां से आगे देखने के लिए, फिर हम इन आंखों से तो कुछ देख ही नहीं सकते ना, कानों से सुन भी तो नहीं सकते ना, मुख से बोल भी नहीं सकते ना। एकदम आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। इसके साथ आपने देखा होगा, बोला जाता है देह और देह के संबंधियों को भूल, अपने को आत्मा समझ, देह और देह के संबंधियों को भूल, मुझे एक बाप को याद करो। पर देह को भी याद नहीं करना, यदि हम आंखों से देख रहे हैं तो देह याद है ना, देह के संबंधियों को याद कर रहे हैं ना, तो देह भी भूल जानी है, देह के संबंधी भी भूल जाने, सिर्फ अपने को आत्मा समझ परमात्म डायरेक्शन पर चलना है। भल परमात्म डायरेक्शन हमने कान से लिया है, कानों के द्वारा सुना है, आंखों के द्वारा देखा है, मुंह के द्वारा दूसरों को बता रहे, परंतु जब हमें अपने आप को सुधारने के लिए बैठना है तो फिर हमें बुद्धि में जो कुछ ज्ञान है उस ज्ञान के आधार से हमने अपने आप को सुधारना है, अपने आप को मजबूत करना है, तब योग में इस शरीर का भी आधार नहीं लेना, इस शरीर को भी भूल जाना है। इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, डिटेल में समझाना पड़े। बोलो ये भी है गीता, बोलो ये भी है गीता, जो हम सुना रहे हैं ये गीता है। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, ये तो रॉन्ग है। श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, उसको वहां दिखा दिया तो रॉन्ग है ना, सबकी गलानी कर दी है। इसलिए भारत तमो प्रधान बन पड़ा है, अब है कलयुगी दुनिया का अंत, इनको कहा जाता है तमो प्रधान आयरन एज। इसको क्या कहा जाता है? तमो प्रधान आयरन एज। जो सतो प्रधान थे उन्हें उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। जन्म मरण में तो जरूर आना है, जन्म मरण में तो जरूर आना है। जब पूरे 84 जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है, तब फिर बाप को आना पड़ता है पहले नंबर में। लाइन समझे बात को? उन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। किसने पूरे 84 जन्म लिए? ब्रह्मा ने, दादा लेखराज ने। उन्होंने ही 84
जन्म लिए हैं, जन्म मरण में तो जरूर आना है। जब पूरे चौरासी जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है। माँ बाबा पूरे 84 जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है पहले नंबर में। बाप को कब आना पड़ता है? पहले नंबर में आना पड़ता है, जो पहले नंबर है कृष्ण की आत्मा। एक की बात नहीं है, इनकी तो सारी राजधानी थी ना, फिर जरूर होनी चाहिए। बाप सब के लिए कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो योग अग्नि से पाप कट जाएंगे। काम चिता पर बैठ सांवरे हो गए हैं, अब सांवरे से गोरा कैसे बने, सो तो बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर आती होगी, जो लक्ष्मी नारायण थे उनको ही 84 जन्मों के बाद फिर वे बनना है, तो उनके बहुत जन्मों के अंत में बाप आकर प्रवेश करते हैं, फिर वे सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारे में पारसनाथ को पूजते हैं, शिव को भी पूजते हैं, जरूर उन्हों को शिव ने ही ऐसा पारसनाथ बनाया होगा। पारसनाथ मतलब सतयुगी दुनिया का मालिक, स्वर्णिम दुनिया का मालिक, शिव ने ही बनाया होगा। टीचर तो चाहिए ना, वो है ज्ञान का सागर। अब सतो प्रधान पारसनाथ बनना है, हमें सतो प्रधान पारसनाथ बनना है, तो बाप को बहुत प्यार से याद करो। वही सबको दुख हरने वाला है, बाप तो सुख देने वाला है। ये है कांटों का जंगल, बाप आए हैं फूलों का बगीचा बनाने। बाप अपना परिचय देते हैं, मैं इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, तो ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ठहरी। एम ऑब्जेक्ट है ही राजा रानी बनने की, तो जरूर प्रजा भी बनेगी। मनुष्य योग योग बहुत करते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठ योग करते हैं, वे राजयोग सिखला ना सके। बाप का है ही एक प्रकार का योग, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर जाना है, अब पावन बनना है। एक बाप को याद करो, बाकी सब को छोड़ो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि आप आएंगे तो हम एक संग जोड़ेंगे, तो जरूर उनसे वर्षा मिला था ना। आधा कल्प है स्वर्ग, फिर है नर्क, रावण राज्य शुरू होता है, ऐसे ऐसे समझना है। अपने को देह नहीं समझो, आत्मा अविनाशी है। आत्मा क्या है? अविनाशी है। आत्मा में ही सारा पाठ नूंदा हुआ है, आत्मा में ही सारा पाठ नूंदा हुआ है, जो तुम बजाते हो। अब शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। शिव बाबा को याद करो माना शिव बाबा की श्रीमत पर चलो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है, सब माथा झुकाते हैं, पवित्रता की बात पर ही ऊंच नीच बनते हैं। ऊंच भी बनते हैं तो नीच भी बनते हैं। देवताए हैं बिल्कुल ऊंच, सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरा जन्म तो विकार से ही लेते हैं। देवताए होते ही हैं सतयुग में, अब तुम पढ़ते हो फिर पढ़ाते भी हो, तुम पढ़ते हो फिर पढ़ाते भी हो। ओम शांति। ओम शांति। सन्यासी पहला जन्म पवित्र बनते हैं, दूसरा जन्म विकार से लेते हैं, इसका मतलब कैसा होता?
मतलब सन्यासी शरीर में पहला जन्म लेते हैं समझो, सन्यासी जो ऊपर से आते हैं सन्यासी तो रेडीमेड शरीर में आते हैं, उसके बाद नहीं भाई दूसरा जन्म गर्भ लेते हैं। नहीं नहीं बोलने का नहीं, नहीं 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 ऐसा नहीं बोलने का। सन्यासी बेशक पवित्र होते हैं, उनका जन्म सन्यासी फिर भी एक जन्म पवित्र बनते हैं। जन्म तो विकार से लिया परंतु उन्होंने खुद विकार में नहीं गए, फिर जब दूसरा जन्म लेंगे तो विकारी माता पिता से ही लेते हैं ना। सन्यासी ऊपर से कोई आके सन्यासी नहीं होते हैं, सन्यासी जन्म तो विकार से ही लेंगे। जब आए ही द्वापर में है, कलयुग में है, तो उनका जन्म तो विकार से होना है। कोई कोई धर्म पिताओं के लिए बाबा ने कहा है कि वो केवल परकाया प्रवेश कर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सारे ऐसे नहीं कि पहले किसी दूसरे के शरीर में आए। केवल धर्म पिताओं वाली लाइन मिलो ना एक बार भाई, ये मेरे सामने मैंने एक बार लाइन भाई सामने रखी हुई लाइन, मैंने पीछे हटाई नहीं है। सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं, मतलब पवित्र बनते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पवित्र पैदा नहीं हुए, पवित्र बनते हैं, ठीक है नहीं। और फिर दूसरा जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। ये तो है नहीं कि हम पवित्र बने, जैसे हमें बाबा ने आके पवित्र बनाया, अब ब्रह्मा बाबा या दादियां जो बिल्कुल पूरा पवित्र बन के गए, अब उन्होंने जाकर निर्विकारी जन्म लिया ना, परंतु वो देवताएं पवित्र बने परंतु जन्म उन्होंने विकारी लिया। अंतर स्पष्ट हुआ? हम जितना पवित्र बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम उतना पवित्र रह के जन्म लेंगे। नहीं समझ रहे, हम बाबा की श्रीमत पर पवित्र बनेंगे तो वो बाबा की श्रीमत पे जितना चलकर पवित्र बनेंगे, हाँ उतना ही टाइम तक हम तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मचारी तो दुनिया वाले बनते हैं, परंतु वो ब्रह्मचारी वो पवित्रता नहीं है जो पवित्रता मैं आकर बताता हूँ। बाबा की पवित्रता तो एकदम देह से अलग होने की है ना, और उनकी पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन किया। अब ब्रह्मचर्य का पालन किया परंतु पवित्र थोड़ा बन गए। यदि उनके अंदर क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, कोई भी इच्छा है, तो खाली खाली ब्रह्मचर्य का पालन पवित्रता नहीं है। हमारी यदि कुछ खाने की इच्छा है, शरीर की जरूरत के हिसाब से हम खा रहे हैं या पहन रहे हैं या ले रहे हैं या दे रहे हैं, और हम शरीर को यूज कर रहे हैं तो शरीर का सुख हम ले रहे हैं, तो वो इच्छा है नहीं, और इसलिए वो पवित्रता में काउंट नहीं होती। दुनिया वाला ब्रह्मचर्य और हमारी पवित्रता में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा पवित्रता ओरिजिनल है, आत्मा का पवित्रता है। हाँ हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, ये आत्मा समझ कर परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, वो पवित्रता हमारे आत्मा के गुणधर्म है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बाबा कहते खाली ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्म आचारी बनना है, ब्रह्मा के आचरण को अपने जीवन में लाना है। दृष्टि वृत्ति बोल सब कुछ एकदम। श्याम सिंह जी पूछो। मैं भाई इसमें थोड़ा ऐड करना चाह रहा हूँ, वो कर्म से पवित्र बनते हैं सन्यासी, मन वचन कर्म से पवित्र मन वचन से नहीं बनते, मन वचन से पवित्र नहीं बन पाते, पूरी तरह पवित्र नहीं बन पाते। देवताएं होते ही हैं सतयुग में, अब तुम पढ़ते हो फिर पढ़ाते भी हो, कोई पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते क्योंकि धारणा नहीं होती है। बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाप क्या करे, बाप यदि सबको आशीर्वाद बैठ करे तो सारे सारे स्कॉलरशिप ले लेवे, वजीफा सबको मिल जावे, सारे टॉप पे पास हो जावे। वे तो भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं, सन्यासी भी ऐसे करते हैं, उनको जाकर कहेंगे मुझे बच्चा हो आशीर्वाद करो, अच्छा तुमको बच्चा होगा, बच्ची हुई तो कहेंगे भाभी, बच्चा हुआ तो वाह वाह कर चरणों पर गिरते रहेंगे, अच्छा अगर फिर मरा तो रोने पीटने लग जाएंगे, गुरु को गाली देने लग पड़ेंगे, गुरु कहेगा ये भाभी थी, कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया, कोई मरे हुए से जिंदा हो जाता है तो ये भी भाभी है ही कहेंगे,
होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए, वे भी ड्रामा में नूंद है। आत्मा कहाँ छिप जाती है? डॉक्टर लोग भी समझते हैं ये मरा पड़ा है, फिर जिंदा हो जाता है। चिता पर चढ़े हुए भी उठ पड़ते हैं। कोई एक ने किसको माना तो उनके पीछे ढेर ढेर के ढेर पड़ जाते हैं। एक ने किसी से कुछ फायदा हो गया, दुनिया भर सारी दुनिया उसी के पीछे चल पड़ती है। तुम बच्चों को तो बहुत निर्माण चित होकर चलना है, अहंकार जरा भी ना रहे। आजकल किसको भी जरा अहंकार दिखाया तो दुश्मनी बड़ी। बहुत मीठा होकर चलना है, नेपाल में भी आवाज निकलेगा। अभी तुम बच्चों को की महिमा का समय है नहीं, नहीं तो उनके अखाड़े उड़ जाएं। अभी तो उनका समय नहीं हुआ, नहीं तो ये जितने बड़े बड़े महामंडलेश्वर बनकर बैठे हुए हैं उनके अखाड़े सारे उड़ जाएं, बड़े बड़े जग जाएं और सभा में बैठ सुनाएं तो अनेक पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। एक आएगा उसके पीछे ढेर आ जाएंगे। ये सारे धर्म पंथ कैसे आएंगे? बस एक बोलेगा उस धर्म की सारी आत्मा कहेंगे अच्छा ठीक है ओके ओके ओके। कोई भी एमपी बैठ तुम्हारी बड़ी महिमा करे कि भारत का राजयोग इन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते, ऐसा अभी तक कोई निकला नहीं है। बच्चों को बहुत होशियार चमत्कारी बनना है, फलाने फलाने भाषण कैसे करते हैं सीखना चाहिए। सर्विस करने की युक्ति बाप सिख लाते हैं। बाबा ने मुरली जो चलाई एक्यूरेट कल्प कल्प ऐसे चलाई होगी जैसे बाबा ने आज मुरली चलाई है, एक्यूरेट कल्प कल्प ऐसे ही मुरली चलाई होगी। ड्रामा में नूंद है, प्रश्न नहीं उठ सकता, कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा हो सकते कि आज ऐसी मुरली क्यों चलाई, ऐसे क्यों। ड्रामा अनुसार जो समझाना था वो समझाया, समझाता रहता हूं। बाकी लोग तो अथाह प्रश्न करेंगे, लोग तो अथाह प्रश्न करेंगे। बोलो पहले मन मना भाव हो जाओ, बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सात, नंबर एक सर्विस की युक्ति रख सीख कर बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आपे ही बनानी है, क्योंकि पढ़ाई पढ़ेंगे तो आपकी तकदीर अपने आप ही बनेगी। किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है। बहुत बहुत मीठा और निर्माण चित बनना है। माया रूपी ग्रह से अपनी संभाल करनी है, अपनी क्या करनी है, हमें संभाल करनी है। वरदान बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पासवेद अनर्भव। जो बीत गई है उसको श्रेष्ठ विधि से बीती कर, ये लाइन समझने वाली है, श्रेष्ठ विधि से बीती कर। बीती को बीती तो हम करते आए, परंतु आज बाबा ने एक नया शब्द बीच में जोड़ दिया है, श्रेष्ठ विधि से बीती कर। बाबा इस इंबक पर हर एक चीज को काटना, श्रेष्ठ विधि लेकिन जब बाबा की श्रीमत पर उस संकल्प को काटते तो फिर वो स्टॉप होते हैं। अब ये श्रेष्ठ विधि क्या है? बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास वेद अनर्भव। श्रेष्ठ विधि है, बाबा ने कहा कि पास्ट को भूल जाओ, पास्ट को भूल जाओ, हर सेकेंड मेरे लिए नया है। मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूंगा, मुझे अब हर सेकेंड बाबा की श्री मत पर करना है। मतलब पास्ट की कोई भी बात मेरी बुद्धि में नहीं हो, बस मेरे लिए हर सेकंड नया है। पीछे की बातें मेरी दिमाग में नहीं रहे। उसे कैसे बाबा समझाते हैं देखो,
पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनकर हर संकल्प व समय को पास करो। पास विद ऑनर बनकर, पास विद ऑनर, इज्जत से पास होने वाले कैसे बनते हैं, अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती की स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले। बीती को जब भी वो याद करें तो उनके दिल से वाह वाह के बोल निकले। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े कि इन्होंने कैसे अपने आप को, जैसे ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने अपने समस्याओं का समाधान किया था। तो आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहें, वो आपके गुण गाते रहें। ठीक है क्या नहीं? स्व कल्याण को का श्रेष्ठ प्लान बनाओ, तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। अपना कल्याण करने की योजना बनाओ बस, तब विश्व सेवा में सकाश अपने आप काम हो जाएगा। विश्व की सेवा आप सहज रीति से सबकी कर सकेंगे। सिर्फ आप अपना कल्याण का सोचो कि मेरा कल्याण हो जाए। तो मेरा कल्याण किस में है? ऑटोमेटिक बाबा ने समझा दिया, सर्व के कल्याण में ही मेरा कल्याण है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।